Hey guys, finally we have pitched the tents and इस टाइम पे थोड़ा सा हालत ख़राब है. थकान सी लग रही है लेकिन उसका एक फ़ायदा है, we'll soon going to get a beautiful meal. तो देखते हैं कैसा बनता है. Hello friends, have some food. Yeah, we represent. कितने बजे हैं बे? कितने? It's 1:42 in the night and we're almost ready. अभी नीचे जाते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं. बहुत सारे सामान हैं. You have to keep everything inside the car और उसके बाद मैं मिलता हूँ फिर गाड़ी में. एक और बात, आवाज मत करना, सब सो रहे हैं. सब सो रहे हैं. पहलो चप्पल ले. भाई लोग इसे बोलते हैं कुत्ते भौंक रहे हैं. रात के 2:15 हो चुके हैं एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लीव. गाड़ी इज ऑलमोस्ट रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं. हाँ, जहाँ जा रहे हैं वो थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा मैं इंस्टाग्राम पे. एंड क्या कर रहा है अभी जय? पैकिंग. 2:15 हो गए भाई, जाने से पहले क्या करेगा? चले, वी आर रेडी नाउ, ऑल सेट टू लीव. सैडली कमीने. चले, ये पीछे कमीने दोनों लड़ रहे हैं अभी. उतारना पड़ेगा मेरे रास्ते में, ऐसे जा नहीं पाएंगे. है ना, मेरा उतार दे यार, पहले पेट्रोल भरा लो फिर उतार दे. नहीं रेंदर भैया, सोने की नहीं हो रही तो तुम लेटे जा रहे हो. मुगले आजम बने जा रहे हो भैया. पूरा लेटने टेढ़ा हो गया भाई. ये तो मुगले आजम, देखो कैसे लेटे. अबे पागल हो गया क्या? एक जरा लाइट दिखाइयो इसको. मैं कैप लगा लूं यार, मैं जा रहा हूं. अब नहीं आ रहा हूं गंजा. ये देखो पीछे मैं कितने सही से बैठा हूं यार. क्या 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 चाहते क्या हो तुम? कितने अच्छे से बैठा हूं यार. अरे फुल करना है ना? फुल नहीं, थोड़ा छोड़ा देना बस. अरे फुल करवाओ भाई, गैस वैस का कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं फुल करना है. सो दिस इज आवर फर्स्ट ब्रेक, फ्यूल ब्रेक चल रहा है अभी. न्यूज़ वाले हैं क्या? हैं न्यूज़ बढ़िया वाले. जानते हैं बरखा दत्त को? आप लोगों को बहुत पहले पहुंचना पड़ता है, यही दिक्कत है आप लोगों की. बरखा दत्त को जानते हो? बरखा दत्त को नहीं जानते हो? सुनील दत्त को तो जानते हो? सुनील दत्त को? सुनील संजय दत्त को जानते हो? नाम सुना हुआ है. बरखा दत्त उनके ही रिलेटिव है भैया. ये भी एकदम, वो NDTV से, ये अपनी टीवी से. क्या है? चाचा. किसके चाचा? रजत शर्मा के चाचा है. नाम क्या है आपका? चंदन. चंदन, नाइट की ड्यूटी आपकी. चलो बढ़िया. वो भैया अभी पबजी खेल रहे हैं लग रहा है. 2500. यस, इतने दिनों बाद मेरी गाड़ी में 2500 का पेट्रोल डला है. ये गरीब आदमी अपनी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डाला. 500 से कभी ज्यादा नहीं डलाया. इसका 3000 रुपया लूंगा मैं. और घूम चुका है भाई साहब? कितना घूम तो चुका हूँ, करीब करीब 50,000 होने वाले हैं. देखो अब इसके बाद जो पहला स्टॉप आएगा पता नहीं कहाँ पे आएगा. तो लेट्स कैच अप आफ्टर फ्यू किलोमीटर. Hey guys, it's 5:15 in the morning. और अभी तक हम पहुँचे हैं. गाड़ी चल रही है, चल रही है मतलब काफ़ी देर से चल रही है. एंड वी आर नियर हरिद्वार. सो फार इट्स गोइंग गुड, ग्रेट. इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. अभी पॉलिटिक्स की बातें चल रही है तो थोड़ा सा मैं भी बोर हो रहा था. अच्छा, छेड़ दिया मैंने ये अभी टॉपिक. तुम बोलो, स्टार्ट तो भाई ने की थी ना यार. चुप हो गया ना उसके बाद. डाल दिए बात बड़ी जगह, बात उसका बड़ी जगह बात पहुंच गई ना सुप्रीम कोर्ट में. वो कहां से कहां पहुंच गई हमें भी नहीं पता चला. एनीवेज द यू नो द जर्नी इज गोइंग ऑन. और अभी भी हमारे पास करीब करीब कितने घंटे की जर्नी और बची होगी? अभी होगी 8 घंटे की. अबे बची होगी नहीं, मतलब कहाँ तक की जर्नी? हमारे डेस्टिनेशन तक की जर्नी. डेस्टिनेशन तो हमारा फिक्स है ही नहीं. डेस्टिनेशन इज फिक्स. कनातल. कनातल. मेरे ख्याल से अभी हमें शायद 6 घंटे लगेंगे विद अ ब्रेक एंड ऑल दैट. तो चाय के लिए रुकेंगे भी. गो फॉर द बेस्ट. अभी थोड़ा सा चाय वाय ढूंढते हैं. ये तो टॉपिक खत्म करने के लिए मैंने ये चालू करा. अब सीधा मिलते हैं व्हेन वी विल स्टॉप इन चाय की टपरी. बाय. अभी हरिद्वार करीब बचा है 20 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, है ना भाई? 20 के आसपास. एंड दिस इज नॉट अ टी ब्रेक, वाटर ब्रेक, बट दिस इज अ नेचर्स ब्रेक.
हम में से दो गए हुए पीछे वाले, ये जो पेट्रोल पंप है वहीं पर ही गए हुए अभी, एंड दे आर डूइंग सम नेचर वर्क। झील सूख गई, अब जो भी होगा आगे जाके देखते हैं, अभी उनका वेट कर रहे हैं, एंड अगर चाय का नसीब होगा तो चाय पिएंगे तो आपको दिखाएंगे। ओके, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर पर्सन। यही था वो कल्प्रेट जिसकी गुड़ 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 हो गई थी, वो तो रही थी कुछ हुआ नहीं, वो दूसरे आए जिनकी गुड़गुड़ हो चुकी है। आई डोंट नो उनका कैसा भी था, क्या हुआ? अब चाय पीने जाते हैं, ही इज राइडिंग द कार ऑल द वे राइट नाउ। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बहुत सही हुआ, सही हुआ। हां कौन से इंडियन में बैठे थे क्या? है? इंडियन हां ये उसमें बैठ गया था। देखा इंडियन वाले की पावर, पावर नेचुरली आता है। मतलब मैंने इससे पूछा, इसने कहा उस पे नहीं हो रहा, तो मैंने कहा इंडियन वाले बैठता हूं। हो सकता है ना अपने घर की होती तो साफ लगती है, एक फीलिंग आती है ना बैठने की, इसमें वो फीलिंग नहीं आती। और इसमें इंडियन वाले बैठने में शरीर टच नहीं होता ना यार किसी चीज में। लेकिन अब सूरज अपने परमान में है, मतलब अभी जस्ट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, बट फिर भी सूरज बड़े ही प्रकोप दिखा रहे हैं अपने, और धूप अच्छी खासी निकल चुकी है, एंड दे दूंगा तुम्हें कसम से, हेडिंग टुवर्ड्स बिल्कुल हरिद्वार। लेकिन लेट तू करो अपने कुन्ने में, और फिर उस साइड को ही छुप जाओ। लेट ना सोना नहीं ड्राइवर आपको। अरे यार भाई व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, व्लॉगिंग, हम भी व्लॉगिंग का पार्ट है, हम लोग व्लॉगिंग का ही पार्ट है। अबे तो व्लॉगिंग में या तो पार्टिसिपेट करो या फिर कुचर मत करो पीछे, तो हम हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो हम तो कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ तो बिगाड़ भुगत। और क्या तुमको बताओ, हमको बताओ क्या कर रहे हो। चलो कैच यू अप इन द टी ब्रेक। सो फाइनली अभी हम लोग रुके हैं चीला, चीला के पास, और चीला के पास के चीला में, एंड दिस इज एक्चुअली डैम, और अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखो इनको, वाओ ये भी तो नहीं पता ना यार गाड़ी कहाँ रुकेगी, तो देख लो जितना मिल रहा देखने को। तो यही है भैया, आवाज से पता चल रहा होगा क्या मस्त है, कहाँ करोगे मौसम। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, एंड थोड़ा सा चाय ब्रेक, पता नहीं डिले होता जा रहा है हमारा, मिल नहीं रहा है, एक बार वो मिलेगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। Hey guys, what's up? So, अभी हम उधर से आगे निकल आ चुके हैं, और अभी हम हैं इस टाइम बिल्कुल नहर के सामने, नहर इज जस्ट बिहाइंड मी, एंड चाय वगैरह पीने का मन कर रहा था, क्रीम रोल भी है भाई। कैमरा ध्यान रखना, वो यार एक जन कैमरा भी देखते रहना भाई उधर। फाइनली बहुत देर बाद चाय नसीब हो रही है, तो चाय एंड फैन हो रहा है, इज हैविंग सम अदर थिंग। और वो कार्टून रख मुझे भी आप, आई लाइक टू हैव क्रीम रोल, एनीवन? वी आर नॉट द बॉस। चलिए खाते पीते हैं उसके बाद आगे निकलते। JCB, this is Hyundai की JCB, मतलब
जेसीबी वैसे कंपनी का नाम है, ये हुंडई है ना, जेसीबी कंपनी का नाम है और क्या, जेसीबी है इस तरीके की गाड़ी की कंपनी को। हाँ मतलब इनका तो नाम वैसे ये क्या बोलते हैं इनको, क्रेन वगैरह बोलते हैं ना इनको तो हम। साल पहले इंग्लैंड टाइप हुआ था तब इंडिया बननी नहीं हुआ, अगर पूछ लिया करो पीछे उससे। अच्छा तो आप भी बता दीजिए सर प्लीज। सो फॉर द कंडीशन इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। चारों तरफ खुदा ही खुदा है, वो वाला खुदा नहीं, चारों तरफ खुदा ही खुदा भी है। सारे घोड़े खुल चुके हैं, पता नहीं कौन किधर भाग गया, अब एक एक को बांधना पड़ेगा। एग्जैक्टली गाड़ी के सारे सस्पेंशन इस टाइम जवाब दे रहे हैं और हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या ये नहीं पता, सवाल हमें भी नहीं पता, वो जवाब दिए जा रहे हैं अपने मन से। जेसीबी का बाप बुलडोजर। दिस इज द पीस एंड अभी हम लोग इसी एरिया में वी आर फाइनली, मैं क्या बोल क्या रहा हूँ, वी आर फाइनली इन द लोकेशन वेयर वी शुड बी। दिस इज कनाथल एंड फर्स्ट गोइंग गुड। अब विल बी पिचिंग आउट आवर टेंट्स, देयर वी हैव टेंट्स को भी यहीं लगाएंगे एंड दिस इज द नाइट वेयर वी विल बी स्पेंडिंग आवर डेज एंड ऑल दैट। जिस जिस को लगता होगा कि कैंपिंग इजी है भाई, ऐसे ऐसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, देख लो गौर से। मज़ा आ रहा है भाई? बहुत मज़ा। ये अच्छे से खोद के प्लेन कर देना वरना दिहाड़ी नहीं मिलेगी। सही है बॉस। ओके उधर देखो क्या हो रहा है। तुम भाई साहब क्या यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हो? हम टेंट खोल लेना दूसरा। हाँ तो करो जल्दी, इनसे पूछो तुम क्या कर रहे हो भाई। पूरा यार चूल्हा लगा दिया यार, पूरा मैरिनेट करने के बाद। ये हमारे बावर्ची, इनसे अभी तक चूल्हा ना हुआ। हो गया यार बाबू। करो भाई जल्दी जरा। वी गॉट द चिकन। बाबू नया वर्ड सीखा है, इन्होंने बताया कैसे कैसे। Hey guys, finally we have pitched the tents and इस टाइम पे थोड़ा सा हालत ख़राब है, थकान सी लग रही है, लेकिन उसका एक फ़ायदा है we'll soon going to get a beautiful meal. तो देखते हैं कैसा बनता है। Hello friends, have some food. Let me taste. यही था वो टाइम जिसका था हमें इंतजार है। दिस इज सच अ लवली मील। मैरेट का फल बहुत टेस्टी होता है। तेरे पे लाइटर है? हाँ। किसके पास? जितनी आगे जला पाओ उतनी जलाओ, मैं खा लेता हूँ। तो देखो ले जा रहे हैं, इनको फ्री छोड़ रखा है हम लोगों ने। अबे क्या कर सकते हैं, इतनी दम नहीं है। कैचअप अगर छुटाए तो रिकॉर्ड करूं ना कैचअप वाले को। कैचअप वाला नहीं, नहीं वो कैमरा मेरा देख के वो और एक्साइटेड होंगे। कैमरा देख के घंटा उनको समझ में आ रहा है कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है।
उनको पता ही नहीं चल पाएगा कैसे खाना है, कुछ नहीं बताया। अरे हमारी ही प्रजाति है वो, हमसे बहुत लोअर दर्जे की प्रजाति वो। इधर से ना घेर ले, अभी चारों तरफ से हमको घेर रखा है, बता रहा हूं मैं। देख देख लीजिए, बैठ जाओ, अगर कोई आए तो मानना तुम, अगर तुम हिले, अगर हिले तो कपड़े फाड़ देंगे, तो बहुत दिक्कत है। हां तो कुछ भी कर सकते हैं, चारों तरफ से घेरा, ये तुम्हारा टेंट, ये तुम्हारा जो, ये तुम्हारा सब कुछ है, सब फाड़ सकते हैं। अगर तुम बैठे हो उधर टेंट के पास, चला आया तुम करते रहो टेंट में, खाने का कुछ नहीं तो वो बंद है टेंट में, चलिए अब बोल ही नहीं पाएगा। जय पागल तो नहीं हो गए हो? कुछ नहीं करेंगे, तो ये लोग क्या, अगर हम लोग इन पे कुछ पत्थर मारेंगे तो नहीं 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 अपने जाएंगे तो हम पे हमला कर देंगे लोग। अटैक है, बच्चे भी है ना साथ में, अटैक तो नहीं, नहीं नहीं बच्चे है ना इनके साथ, निकल लें दो छोटे छोटे, क्योंकि बच्चों पे अगर इनको डर लगा तो दिक्कत होगी इनको, अगर हम लोग अपने अपनी अटैक कर देंगे। अबे जब इस बंदर से डलोगे तो बाघ से कैसे सो पाओगे, हटो यहाँ से, बंदर होटल रूम में चल गए। बात तो इसकी सही है, सही बंदर से तो फिर बाघ से क्या लोगे, ये लोग आए कैसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात। मैंने कहा ना ये कुछ भी मत रखना, तुम इजी समझ रहे हो इसको, ये जंगल है भाई, तो उसने तो कहा था कि सेफ है। अरे घंटा, उसको पैसे चाहिए साले, रात को तुम्हें नजर भी नहीं आएगा वो। अबे रात को बंदर आ गए तो, रात को बंदर सोते हैं, सो ही जाएंगे ना। चलो ठीक है, सेफ है हम लोग रात में, तो रात को दूसरा प्राणी आता है ना इनसे बड़ा वाला। चलो लगाएं दोबारा, कैसे लगाएं, लकड़ियां इकट्ठा करके उसको डाल दो, लकड़ियां इकट्ठी करके वहां उल्टी लेके जाएगा, लकड़ियां डाल दो आगे, मैं बैठा हूं, सारे बंदर इकट्ठे, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के जाओ, सामान हम तुम देख रहे हो, दिख रहा है तुम्हारे पीछे से, ऊपर कोई है क्या, यार जिम्मेदारी मेरी है तुम्हारे पीछे से, देखो